हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं किरण चौधरी और आज लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो रेड गाजर ले ली थी, देख सकते हैं मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें डाल दिया मैंने 100 से 150 ग्राम देसी घी। गाय का घी यहाँ पर मैं ले रही हूँ और उसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। और अब घी गर्म हो चुका है और जो ग्रेट कर रही हुई गाजर है वह उसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको भून लूंगी। 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से रोस्ट करूंगी मैं घी में। कई लोग पहले गाजर को दूध में पका लेते हैं उसके बाद घी में भूनते हैं, पर मैं यहाँ पे पहले गाजर को भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको दूध में पकाऊँगी। तो ऐसे बहुत ही टेस्टी बनता है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर को मैंने अच्छे से भून लिया है और गाजर श्रिंक कर चुकी है हमारी। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे दूध। दूध मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है, देख सकते हैं 2 किलो दूध यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें। बस दूध डालने के बाद इसको मैं फुल फ्लेम पर, मैंने गैस की फ्लेम को जो है ना फुल ही रखा हुआ है, क्योंकि फुल फ्लेम पर ही मैं इसको पकाऊँगी। तो दूध डाल दिया मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स हलवा, और सर्दियों में ही मोस्टली बनाया जाता है। बहुत गुणों से भरपूर होता है हमारा गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैंने दूध डालने के बाद इसको 30 से 35 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है, देख सकते हैं। इसको बीच बीच में मैं हिलाती रहूँगी ताकि दूध जो है ना वो नीचे कढ़ाई की सरफेस पर चिपके ना और जले ना। तो यहाँ पे हलवा जो है ना वो थिक हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी शक्कर। तो यहाँ पे मैंने शुगर नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ले ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। शक्कर डालने से फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनता है और आप ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल हेल्दी हलवा मैंने बनाया है यहाँ पर। गाजर का हलवा खाने में जितना टेस्टी होता है बनाने में उतनी इसको मेहनत लगती है, तो इसलिए इसका जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें बहुत से विटामिन मिनरल्स और फाइबर से युक्त होता है, हमें बहुत से बेनिफिट्स इसके हमें मिलते हैं गाजर के। तो आप ज़रूर ट्राई करें और खाएँ। सर्दियों में तो मोस्टली ये हर दूसरे तीसरे दिन बन ही जाता है और सबका ही फेवरेट होता है, बच्चों का, बड़ों का, सबका। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, कैश्यू, किशमिश और ग्रेट करा हुआ कोकोनट ले लिया है, वो डालूँगी मैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी भर के डाले हैं ताकि इसके हर एक बाइट में अच्छे से ड्राई फ्रूट आए। अब कर लूँगी इसको अच्छे से मिक्स। डालने के बाद ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी गाजर के हलवे में। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गाजर के हलवे को मिक्स कर लूँगी मैं ड्राई फ्रूट में, देख सकते हैं, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स जो हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी ड्राई फ्रूट के साथ, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए हलवे में। और हलवा हमारा जो है ना, देख सकते हैं, बिल्कुल थिक पक चुका है, बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको ऊपर से गार्निश करूँगी ग्रेटेड कोकोनट से। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं। अब करेंगे इसको गर्मा गर्म सर्व। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।